सब्सक्राइब करें नॉलेज ऑफ मेडिसिन चैनल को और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें दवाओं के बारे में लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने। नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली एक ओरल सॉल्यूशन, जिसे हम सभी इसके मूल कंपोजिशन नेम ओमेप्राजोल ओरल सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं, या फिर हम इसे ओमेप्राजोल ओरल सस्पेंशन के नाम से भी जानते हैं। वैसे इससे पहले हमने ओमेप्राजोल कैप्सूल के बारे में वीडियो बना रखा है, जो कि एडल्ट्स के लिए प्रयोग में लिया जाता है। तो यदि आप में से कोई फ्रेंड जो कि उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है तो आप वहाँ से सीख सकते हैं। बट इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ जो बच्चों के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली है ओमेप्राजोल ओरल सॉल्यूशन, उसके बारे में सीख रहे हैं। वैसे यह जो ओमेप्राजोल है, यह तो आपका दवा का मूल एवं कंपोजिशन नेम हो जाता है, और सस्पेंशन फॉर्मेट में जो इसके पॉपुलर ब्रांड्स आते हैं उसमें सबसे पॉपुलर आपका ओमेज इंस्टा सस्पेंशन एवं ओमेसार जूनियर सस्पेंशन के नाम से मिल जाती है। तो ये दोनों जो सॉल्यूशन फॉर्मेट सस्पेंशन फॉर्मेट में आती है, ये दोनों पॉपुलर ब्रांड्स है। बट हो सकता है आपके एरिए में इसका कोई और पॉपुलर ब्रांड्स अवेलेबल हो, या फिर आप इसे इसके मूल कंपोजिशन नेम ओमेप्राजोल ओरल सॉल्यूशन के नाम से भी परचेज कर सकते हैं। यह जो ओमेप्राजोल है, इसकी जो सस्पेंशन फॉर्मेट में स्ट्रेंथ होती है वह आपका 1 mg/5 ml के स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है। यह जो ओमेप्राजोल है, यह आपका सस्पेंशन फॉर्मेट में 2 mg/5 ml एवं 4 mg/5 ml के स्ट्रेंथ में अवेलेबल होता है, और जो इसकी बोतल होती है वह आपका 90 ml के अप्रॉक्स में होता है। तो अगर हम वीडियो में इस ओमेप्राजोल ओरल सॉल्यूशन के सस्पेंशन की यूजेज की बात करते हैं, तो इसका सबसे पहला प्रयोग यदि कोई बच्चा जिनको बहुत ही ज़्यादा पेट में गैस बनता हो और गैस बनने की वजह से बच्चे के सीने में जलन रहती हो, तब उससे मतलब गैस्ट्राइटिस, जो कि गैस का फॉर्मेशन हो चुका है बच्चे के पेट में, उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा यह ओमेप्राजोल ओरल सॉल्यूशन प्रयोग में लिया जाता है। इसके अलावा इसका प्रयोग आपको पेप्टिक अल्सर डिजीज के ट्रीटमेंट में भी किया जाता है। मतलब यदि कोई बच्चा जिनके पेट में छाले पड़ गए हैं तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा यह सॉल्यूशन प्रयोग में लिया जाता है। साथ ही साथ इसका प्रयोग आपको बच्चों में GERD मतलब गैस्ट्रो इशोफेगस रिफ्लैक्स डिजीज, जिसमें जो बच्चा है उसके इशोफेगस में जो एसिड है वह रिफ्लैक्स होने लगता है, जिस वजह से बच्चे को खट्टी ढकारें आने लगती है, या फिर कई बार खाने का पार्टिकल्स माउथ में आने लगते हैं, और साथ ही साथ बच्चों के सीने में भी जलन रहती है। तो इन सारे कंडीशंस को ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा यह ओमेप्राजोल ओरल सॉल्यूशन प्रयोग में लिया जाता है। बच्चों को इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसके अलावा काफी टाइम्स डॉक्टर इस ओमेप्राजोल ओरल सॉल्यूशन का प्रयोग बच्चों को जब किसी एंटीबायोटिक दिया जाता है, कोई एंटीबायोटिक सिरप दिया जाता है, तो उसके साथ भी प्रिस्क्राइब करते हैं, ताकि जो एंटीबायोटिक्स के साइड इफेक्ट्स है वो ज़्यादा से ज़्यादा रिड्यूस किया जा सके। तो हो सकता है इन कंडीशंस के अलावा डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के आधार पर किसी और प्रकार के प्रॉब्लम्स में इस ओमेप्राजोल ओरल सॉल्यूशन का प्रयोग लेता हो। यूजेज जान लेने के बाद अगर हम इस ओमेप्राजोल ओरल सॉल्यूशन के कॉमन साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं, जो कि खासतौर पर बच्चों में देखा जाता है, तो उसमें बच्चे को सबसे पहले नौजिया या वोमिटिंग की शिकायत हो सकती है, बच्चों को डायरिया की समस्या हो सकती है, इसके अलावा बच्चों के सर में भी दर्द हो सकता है, और साथ ही साथ पेट दर्द की समस्या हो सकती है। तो ये इनके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स है, बट हो सकता है इसके अलावा भी कोई अनवांटेड साइड इफेक्ट्स आपके बच्चे को देखने को मिले, तो आप फर्दर इस सिरप का, इस सस्पेंशन का प्रयोग लेना बंद करें एवं अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, ताकि जो डॉक्टर है वो अच्छी से अच्छी मेडिसिन आपके बच्चे को दे सके। अब वीडियो के अगले हिस्से में हम इस ओमेप्राजोल ओरल सस्पेंशन के डोज की बात करते हैं बच्चों के लिए। तो वैसे तो इसका डोज आपका बच्चा टू बच्चा वैरी होता है, बच्चे की एज के ऊपर, वेट के ऊपर, कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है, बट फिर भी जो कॉमन बच्चों के लिए डोज होती है, तो यदि आपका बच्चा 1 महीने से लेकर के 1 साल तक है तो हम उसे 1 mg/kg के हिसाब से पर डे प्रयोग में देते हैं। मतलब यदि आपका बच्चा 5 kg का है तो हम उसे 5 mg दिन में एक बार ही प्रयोग में देंगे, या फिर हो सकता है हम 2.5 mg सुबह एवं 2.5 mg शाम डिवाइडेड डोज में भी दे सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके बच्चे की उम्र 2 साल तक है तो हम उसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 mg दे सकते हैं, और बच्चे का उम्र अगर 2 साल 3 साल तक है
तो हम उसे 20 मिलीग्राम तक दे सकते हैं। इसकी जो डोज की चार्ट समरी है वह आपका एज के अकॉर्डिंग एवं वेट के अकॉर्डिंग ऊपर डिस्प्ले पे आपको दिख रहा होगा। तो इस प्रकार से इसका डोज एडजस्ट किया जाता है। हो सकता है तो आप इस जो डोज हमने दिखाए हैं इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि फ्यूचर में आपको डोज कैलकुलेट करने में आसानी हो। अब वीडियो के लास्ट में अगर हम इस ओमेप्राजोल ओरल सस्पेंशन के सेफ्टी एडवाइसेस की बात करते हैं तो सेफ्टी एडवाइसेस में तो मैं यही बताऊंगा हर वीडियो की तरह कि आप इसका प्रयोग ओटीसी के रूप में ना करें, विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन अपने बच्चे को प्रयोग में ना दें। और जब भी आप अपने डॉक्टर से मिलने जाते हैं तो आप अपने डॉक्टर को अपने बच्चे के पास्ट मेडिकल हिस्ट्री एवं प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री के बारे में जरूर बताएं ताकि डॉक्टर अच्छी से अच्छी मेडिसिन आपके बच्चे को प्रिस्क्राइब कर सके। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमने आपको संपूर्ण डिटेल्स बताई है इस ओमेप्राजोल ओरल सस्पेंशन के बारे में। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप थे अपने दोस्त किशन के साथ, तो मिलता हूं फ्रेंड्स आपसे अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।